हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बाम्बू शूट्स की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सब्ज़ी जो है ये हमें बारिश के दिनों में आसानी से मिलती है, यानी आपको अगस्त सितंबर महीने में ये सब्ज़ी आपको बाज़ार में मिल जाती है। ये जो मैंने सब्ज़ी लाई है, ये सब्ज़ी देखो इसी तरह से मिली, यानी कटे हुए साफ़ किए हुए बाम्बू शूट्स हमें मिलते हैं। तो घर पे लाके उसको साफ़ करने का या काटने का कोई झंझट नहीं है। मुंबई, ठाणे, पालघर ज़िले में तो बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। लाने के बाद इसको धो देना है और आधे घंटे पानी में रखना है। पानी में रखने के बाद इसका ये पानी जो है ये फेंक देना है। फिर इसमें पानी डालना है अच्छे से और कुकर की 5 से 6 छिटियाँ निकालना है। तब तक ये पकते नहीं, जब भी पतले कटे हैं फिर भी इसको पकने में टाइम लगता है। तो कुकर की 5 से 6 छिटियाँ निकालना है। उसके बाद कुकर थोड़ा ठंडा होने के बाद ओपन करेंगे तो देखो ये अच्छे से पक गए हैं। अभी ये पक गए तो इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ के इसका पूरा पानी निकालना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। देखो पूरा पानी निकालने के बाद देखिए इस तरह से दिखेंगे, उसका पूरा पानी निकाल दिया है। अभी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल गर्म करना है। तेल की मात्रा ये सब्ज़ी में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो ये सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो हम उसमें डालेंगे राई, जीरा और उसके बाद डाल देंगे प्याज। 2 बड़े प्याज किए हैं। प्याज बहुत बारीक नहीं कट करना है, डाइसेस में कट किए है और इसको भी ट्रांसपेरेंट होने तक हमें पकाना है। ये जब ट्रांसपेरेंट होने लगे तो इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हमें थोड़ी सी क्रश करके डालनी है। तो लहसुन और हमारा प्याज देखो पक गया है अच्छे से, यानी वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। उसके बाद उसमें डाल देना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धना पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी। मसालों को भी एक बार भून लेंगे और उसमें डाल देंगे हम लोग ये बाम्बू शूट। डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लो। गैस की पावर एकदम धीमी करनी है, 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। स्वादानुसार नमक डालना है और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालना है। ज़्यादा मसाले की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं, एकदम थोड़ा सा मसाला डालना है इसमें और इसको धीमी आँच पे 4 से 5 मिनट उसके बाद भी अच्छे से पकाना है। जबकि हमारा प्याज भी पका हुआ है, बाम्बू शूट भी पके हुए हैं, लेकिन वो अच्छे एक टेस्ट आने के लिए उसको हमें पकाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद गैस बंद कर दो। रोटी के साथ, भाकरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही हेल्दी है। और दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। रेसिपी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।